गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में, मेरे चैनल में। साढ़े ग्यारह और मैं बना रही हूँ नाश्ता। मतलब हम सब ने तो कर लिया है, बस बड़े वाले के लिए सेक रही हूँ मैं ब्रेड, और क्योंकि वो अभी सो के उठा है इस वजह से यहाँ पर हो रहा है मेरा दूध गर्म उसका। तो ये रही ब्रेड, ये रहा मक्खन, और ये भी इसका दूध गर्म हो रहा है। और मैं दिखा देती हूँ मुर्गी के बच्चे कौन थे, और एक बच्चा ये रहा। और ये सारे कपड़े मैंने भी धो दिए हैं, और बहुत ही लाजवाब मौसम हो रहा है। और ये मेरी मिर्चें, मेरी तुलसी जी भी बड़ी हो गई हैं। ये हैं मिर्ची मेरी, ये तुलसी जी जो भी बड़ी हुई हैं, और ये शहद का पेड़, ये देखो कितना बड़ा हो रहा है, यहाँ से लेके बिल्कुल ऊपर तलक जा रहा है ये। और जी रात को बनाए थे मैंने छोले कुलचे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो छोले की रेसिपी तो मैंने डाल दी है, और कुलचे वाली रेसिपी मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि फ़ोन की बैटरी लो थी इस वजह से। तो अगर आपने मेरी छोले की रेसिपी नहीं देखी तो प्लीज़ आप देखो मेरे चैनल पर कैसे बने हैं मेरे छोले। और मैं क्या हुआ, कोई बात नहीं। अभी तो छोले भी रखे हुए हैं मेरे, और करेले बनाए थे, करेले भी ऐसे सब्जी रखे हैं, चटनी हमारे चटनी भी रखी है। तो मुझे तो कुछ बनानी नहीं है, और खाली रोटी बनानी है। तो अभी मैं उसको नाश्ता भी मेरे पास में बनाऊँगी रोटी। और हमने सबने कर लिया है झाड़ू को, सभी आ गया, जल्दी हो गया है। नीचे की भी धुलाई कर दूँ, और ये बर्तन थे सारे बर्तन धो लिए, दूध आया ये देखो सिया ने इसको बिठा रखा है, डर लगता है। तो जी दे देते हैं उसको नाश्ता, चलते हैं अंदर ले भाई। और ये पर्दे तलक मैंने सीधे नहीं करे हैं, एक उल्टा देखो सीधा लग गया है, पर्दा ढक देते हैं। दिख रहा है कर दिया सर। तो जी आपने छोले भटूरे तो बहुत खाए होंगे, पर लेकिन आपने भरवे भटूरे नहीं खाए होंगे। तो जी आज हम बनाएंगे भरवा भटूरे। तो जी ये है मेरे पास मैदा, मैदे को मैंने दही, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालकर गूंद लिया है। अब इसके अंदर भरेंगे हम ये है बैटर, जैसे हम आलू का मसाला बनाते हैं। और तो मैंने वो ले लिया है, मैदे के अंदर भर देंगे। इसके अंदर मैंने पनीर भी मिलाया है, इसको अच्छे से जैसे हम कचौड़ी के अंदर भरते हैं बैटर, और जैसे हम आलू के पराठे में भरते हैं, सेम वैसे ही बनाएंगे। तो जी ये हो गया है हमारा गोला तैयार। ठीक है जी, अब बनाएंगे। थोड़ा सा लगाएंगे सूखा आटा, और इसको बिल्कुल पतले बेलना है। तो जी हमने छोटा सा भटूरा बना लिया है, देखिए बिल्कुल भी फटा नहीं है। और हम इसको करेंगे डीप फ्राई, और तेल मेरा गर्म हो चुका है। फुल्या भाई, फुल्या 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 बन गया है मेरा भटूरा, इसको पलटते हुए। तो जी भटूरा बनकर हो गया है हमारा रेडी, इसको निकाल लेंगे हम।
एक भटूरा हम सिंपल बनाएंगे, इसको निकाल लेंगे हम प्लेट में। तो एक भटूरा मैंने बेल लिया है छोटा वाला, और एक मैं सिंपल ही बनाऊंगी। पता है कि मेरा बैटर ना रात को बच गया था कुलचे वाला, तो मैंने बना लिया, दूसरा बनाएंगे हम सिंपल। छोटा सा भटूरा मेरा फूल गया, देखिए देखिए लाजवाब। तो छोले तो मेरे रखे हुए हैं, तो भटूरे के साथ खाएंगे छोला भटूरा। तो देखिए क्यों भाई, देख ले मेरा भटूरा छोटा सा, ठीक सही है। तो वापस लाइक करो और इसको दिखा दो, दिखा दो गया दो चीज़ को भी निकाल लेते हैं। एक है बिना भरा हुआ और एक है बिना भरा वाला। आपको अच्छा लगा बताना जरूर। ऐसे हम सारे बना कर तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या है, जाना तो सारा तैयार कर लेंगे। मेरा तो सोना तो मुद्दे खाने का मुद्दा ना छोटा सा फटाफट फटावट। और मैं इनको आटा और मिल गया, वो आटा वेस्ट नहीं होएगा, रोटी में आलू पतले पतले बनाऊंगा छोटे छोटे। हाँ देखो भरे हुए बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा वैसे बनाओ अच्छे लगे। हाँ ये झूल रहे हैं, झूला झूला झूल रहे हैं। हाँ तो जी बन गए हैं मेरे छोले को भटूरे। जैसे कि आपको मेरे रेसिपी और साथ के साथ मैं वीडियो को मेकअप करूँगी, एंड जैसे कि मेरे को ज़्यादा बड़ा हो गया अच्छी लगती, लाइक चैनल कल।